नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं राजनीति। आज बात कोरोना वॉरियर्स पर हुए हमले की बात इसलिए क्योंकि सुबह सुबह ही खबर आई कि एपिडेमिक्स एक्ट में संशोधन करके कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वालों की सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। और शाम होते होते कानपुर से तस्वीरें आई कोरोना वॉरियर्स पर खतरनाक हमले की। तस्वीरें देखिए आप, ये कानपुर के बजरिया थाना इलाके की तस्वीर है। ये देखिए आप कैसे पत्थर लेकर पुलिस के पीछे दौड़ पड़े ये लोग, भारी तादाद में पुलिस के पीछे दौड़ पड़े लोग, पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों के। एक कोरोना संक्रमित मरीज के परिवार वालों को चिन्हित कर क्वारंटीन कराने गए थे ये लोग, लेकिन इलाके के लोगों ने इन पर हमला बोल दिया। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें परेशान करने वाली हैं, तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। कानपुर से कैसे एक के बाद एक गलियों से लोग दौड़ते भागते निकले और उन्होंने इन कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर दिया। देखिए पहले ये लोग वहां पर खड़े थे, पुलिस को आप देख सकते हैं बहुत कम संख्या में थी, 3 से 4 पुलिसकर्मी देखे जा सकते हैं। जैसे ही इन्हें मालूम पड़ा कि भीड़ उनकी तरफ आ रही है, ये वहां से अपनी जान बचाकर भागे, किसी तरह से अपनी जान बचाकर ये लोग भागे। और देखिए उनके पीछे लोग कैसे दौड़े वहां पर, ये तस्वीरें भी आपके सामने आएंगी। पत्थर लेकर इन पुलिसकर्मियों के पीछे ये तमाम लोग दौड़ पड़े कानपुर के बजरिया थाना इलाके। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। हमने रामपुर में देखा, हमने मुरादाबाद में देखा, हमने बरेली में देखा, हमने संभल में देखा, हमने वाराणसी में देखा, और इतने सख्त होने के बाद भी आज ये कानपुर में हो गया। मुख्यमंत्री योगी सामने आए इन तस्वीरों को देखने के बाद, इस खबर को देखने के बाद, और उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा अब आप वो देख लीजिए। आज भी कानपुर में कुछ लोगों ने तो साहस किया है और मैं पुलिस के अधिकारियों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जो लोग भी पुलिस कर्मियों पर और मेडिकल की टीम पर हमला किए हैं उन सबको ढूंढ निकालिए। इन सब के खिलाफ सख्त कार्रवाई, न केवल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तो IPC की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करते हुए इनके खिलाफ गैंगस्टर और NSA के तहत भी बहुत सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग कोरोना कैरियर का काम कर रहे हैं, समाज में अव्यवस्था फैला रहे हैं और इस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मुख्यमंत्री योगी की बात आपने सुनी, क्यों उनको इतनी सख्ती दिखानी पड़ी उसकी वजह एक बार फिर से आपके सामने रखते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं आपको। क्या हुआ कानपुर में आज वो देख लेना बहुत जरूरी है, और उससे पहले रामपुर में क्या हुआ, गोंडा में क्या हुआ, आगरा में क्या हुआ, कौशाम्बी में क्या हुआ, ये सब भी देखिए आप। सिर्फ आज कानपुर में कोई पहला मामला नहीं था, रामपुर में देखिए वहां भी वही हुआ, गोंडा में क्या हुआ पुलिसकर्मी के साथ आप वो देख लीजिए, आगरा में पुलिसकर्मी के साथ किस तरीके का बर्ताव किया गया, कैसे हमला किया गया, कैसे जख्मी किया गया वो आप देख लीजिए, कौशाम्बी की आप तस्वीर देख लीजिए, वहां भी ऐसे ही हंगामा किया गया, वहां भी कोरोना वॉरियर्स पर हमला किया गया। इन तमाम तस्वीरों ने देश के नीति निर्धारकों को विचलित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले कहा कि वो ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं करेगी, अध्यादेश लागू किया गया डॉक्टर्स पर और कोरोना वॉरियर्स पर हमले करने के मामले में। और उसके बाद आज उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, एपिडेमिक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, उसमें संशोधन किया गया, उसके बावजूद भी कानपुर में शाम को यह हो गया। हमला पुलिसकर्मियों पर हुआ है, हमला स्वास्थ्य कर्मियों पर हुआ है, और इसीलिए इस बहुत ही गंभीर विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वाराणसी से वहां के ASP मोहम्मद मुश्ताक साहब, और इसके अलावा लखनऊ से DCP वेस्ट सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जी। आप सभी का, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत त्रिपाठी जी और मुश्ताक साहब। मैं सबसे पहले त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। आज त्रिपाठी जी, कानपुर में हमने जो तस्वीरें देखी वो कोई पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले हमने रामपुर में देखा है, मुरादाबाद में देखा है, संभल में देखा है, वाराणसी में देखा है, अभी मैंने कुछ और तस्वीरें भी रखी थी गोंडा में और इसके अलावा कुछ और शहरों में भी। इतनी सख्ती दिखाने के बाद भी त्रिपाठी जी ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इस पर विचार किया जा रहा है? त्रिपाठी जी,
जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए बोलिए त्रिपाठी साहब। जी हम लोग सारे पहलुओं पर विचार कर रहे हैं और जहां पर सख्ती दिखाने की जरूरत है वहां पर जरूर सख्ती दिखाई जा रही है। उद्देश्य एक ही है कि कोरोना महामारी के प्रसार को रोका जाए। इस प्रसार को रोकने के लिए व्यापक जनता के हित में जो भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए वो सारे कदम हम लोग उठा रहे हैं। जी ये तो बात सही है कि सख्ती दिखाई जा रही है और सख्ती दिखाने के शासन की ओर से भी निर्देश हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है त्रिपाठी जी कि ये इतना कुछ करने के बाद भी, अब देखिए दूसरा लॉकडाउन पीरियड भी खत्म होने को आया, उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं कैसे घट रही हैं, इस पर अब तक क्या विचार हुआ है? जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं बेसिकली लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो वहाँ के संभ्रांत नागरिक हैं उनसे हम लोग सहयोग ले रहे हैं, उनसे सहयोग लेने के बाद भी पूरा सपोर्ट हम लोगों को पब्लिक का मिल रहा है। अगर कहीं पर किसी जगह पर पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिला है तो उस जगह की समस्या हो सकती है। मैं यहाँ अपने यहाँ लखनऊ की बात कर सकता हूँ, हमारे पास यहाँ पब्लिक का हमें पूरा सपोर्ट मिला है। जी 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 जी। अब हमारे साथ एएसपी मुश्ताक साहब भी हैं, मोहम्मद मुश्ताक साहब भी हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। मुश्ताक साहब स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी गंगा पर। वही सवाल जो मैंने अभी डीसीपी साहब से पूछा था वही मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, उसी सवाल का जवाब। ये क्या वजह है कि इतनी सख्ती करने के बाद भी सूबे के अलग अलग शहरों से इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं? पुलिस कर्मियों पर हमला हो रहा है, डॉक्टर्स पर हमला हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे आप सबसे बड़ी वजह क्या देख रहे हैं? सबसे पहले ये घटनाएं, इस तरीके की घटनाएं बहुत ही दुखद है। लोगों को समझना भी चाहिए कि जिस तरीके से पुलिसकर्मी और हेल्थ से जुड़े हुए लोग हमारे जिस तरीके से अपने जान को जोखिम में डाल करके लगातार लोगों के बीच में जा करके टेस्टिंग कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, उसमें इस तरीके के हमले निश्चित रूप से बहुत ही दुखद हैं। अब इसके यदि कारण को देखें हम तो ऐसे कई जगह पे इस तरीके के जो भी इंसिडेंट हुए हैं तो कई जगह पे वहाँ पे ये देखने में आया है कि कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ र्यूमर भी फैलाए गए हैं, कुछ लोगों की एक दो लोगों के द्वारा मोबालाइज़ किया गया है, तो इनके वजह से इस तरीके की समस्याएं जो हैं वो उत्पन्न हुई हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि ऐसे सभी लोगों को लगातार जो है पुलिस के द्वारा उनको चिन्हित किया गया है और उसके ऊपर गैंगस्टर से लेकर के NSA और भी कठिन धाराओं में उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है। तो मेन कारण इसके अलावा लोगों को खुद समझना होगा, चूँकि कोरोना से लड़ने में जिस तरीके से हम और जितने भी सर्विसेज के लोग लगे हुए हैं तो ये सबको सबके सहयोग से ही हम इसको रोक पाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि लगातार जैसे हमारे बनारस को देखा जाए तो लगातार लोगों ने इस पे सहयोग हमारा किया है और इसके लिए लगातार हमने कई स्तरों पे लोगों से मीटिंग किया है, जितने भी धार्मिक गुरु हैं उनके साथ अलग अलग मीटिंग किया गया है, लगातार उनसे फ़ोन पर भी बातें की जाती हैं और ऐसे जो भी कुछ अवांछित तत्व हो सकते हैं उनके ऊपर लगातार हम नज़र भी बनाए हुए हैं ताकि इस तरीके की कोई इंसिडेंट जो है बनारस में या बनारस में न हो पाए या भारत में किसी भी अन्य क्षेत्र में इस तरीके की घटनाएँ न हो पाए। ठीक बात है। आप मुश्ताक साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि कुछ लोगों के उकसाने में उनके भ्रमित करने की वजह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कानपुर वेस्ट के SP डॉक्टर अनिल कुमार साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुमार स्वागत है आपका। चूंकि आप कानपुर में चीज़ें देख रहे हैं और हमारे साथ दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं और हम बात कानपुर की कर रहे हैं चूंकि वो सबसे ताज़ा घटना है। कानपुर में ऐसा क्या हुआ है? क्या पुलिस जिस तरीके से गई, पुलिस और स्वास्थ्यकर्मी जिस तरीके से गए वो गार्डेड नहीं थे या वो उनको अंदाजा नहीं था कि वहां पर ऐसा कुछ हो सकता है? डॉक्टर अनिल कुमार। देखिए कानपुर में आज जो घटना हुई है वो पुलिस और स्वास्थ्यकर्मियों की जो टीम जो एक कोरोना पॉजिटिव के फैमिली मेंबर्स को क्वारंटाइन फैसिलिटी ले जाने के लिए गई थी वो जब उनको लेके आ गई थी उसके कुछ समय पश्चात ये घटना हुई है और संभवतः कुछ समय पश्चात कुछ युवक जो हैं वो किसी भड़कावे या उकसावे में और गलत जानकारी के आधार पे वो लोग इकट्ठा हो गए थे और उसका उसी मोहल्ले के और उसी समाज के और जो क्वारंटाइन के लिए जो मरीज़ लाया गया था उसी के परिजनों ने फिर उनका विरोध भी किया और उन युवकों को समझाया भी कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो ठीक कर रही है। जी डॉक्टर अनिल कुमार, हमने देखा बहुत बड़ी तादाद में लोग, डॉक्टर कुमार युवक हमने जो तस्वीरें देखी अभी चल भी रही थी वो हमारे सामने, हमारे दर्शक देख भी पा रहे हैं, वो ऐसा लगा कि हर तरफ से लोग दौड़ पड़े पत्थर लेकर मारने के लिए पुलिस को और वहां पर जो स्वास्थ्यकर्मी थे। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं एक बार दर्शकों को,
ये वहां पे कम संख्या में थे पुलिसकर्मी और ऐसा लगा कि हर गली से ही लोग दौड़ पड़े, तो ये कुछ युवकों की बात तो नहीं मालूम पड़ती है डॉक्टर अनिल कुमार, ये तो बहुत सारे लोग हैं। ये हुआ ये था कि जब पुलिस की और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम जब वापस लौट गई थी उसके पश्चात ये युवक इकट्ठा हुए थे, और उस समय चूंकि इस तरह का अंदेशा नहीं था तो कुछ पुलिसकर्मी जो वहाँ पर चूंकि हॉटस्पॉट था तो वहाँ पर उसके लिए जो तैनात थे वो वहाँ पर मौजूद थे। और आप जो भीड़ दो तरफ से देख रहे हैं उसमें एक तरफ की भीड़ उन लोगों की है जो उन्हीं लोगों को समझाने के लिए दौड़ रहे थे, और उन्हीं से फिर उनका टकराव भी हुआ जो समझाइश के दौरान, और उन्होंने उसका विरोध भी किया, जो युवक विरोध कर रहे थे उनका विरोध करते हुए पुलिस की कार्रवाई का कुछ लोगों ने समर्थन किया वहां पे। जी लेकिन ऐसे लोग कम जो थे कि उसी मोहल्ले के उसी समाज के उसी समुदाय के। ये आपने एक पॉजिटिव बात बताई, ये आपने डॉक्टर अनिल कुमार एक पॉजिटिव बात बताई कि कुछ लोगों ने वहीं के लोगों ने उनका विरोध भी किया हमला करने वालों का, लेकिन ये माना जाए कि विरोध करने वालों की तादाद कम थी और हमला करने वालों की तादाद ज्यादा थी। देखिए चूंकि एरिया में लॉकडाउन है और वो हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर है तो सभी लोग जो विरोध करने वाले हैं वो नहीं निकले होंगे, किंतु वहाँ के एरिया में लोगों को बार बार अनाउंसमेंट और जनसंपर्क के माध्यम से और वहाँ के मौजूद जो लोग हैं S10 के जो लोग हैं उनके माध्यम से समझाया गया है, और उसी का असर है कि कानपुर में अभी तक काफ़ी संख्या में सैंपल लिए गए हैं, क्वारंटाइन लिए गए हैं, किसी प्रकार के किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ा, ये पहली इस तरह की घटना हुई है। जी लेकिन कानपुर में भले इस तरह की पहली घटना हुई हो डॉक्टर अनिल कुमार, लेकिन आप सूबे के दूसरे शहरों से इस तरह की घटनाएं बहुत रिपोर्ट हुई हैं, और मैं उसके बारे में भी बता भी रहा था, तस्वीरें भी दिखा रहा था, आप चाहे वो मुरादाबाद हो, रामपुर हो, संभल हो, बनारस हो, हर जगह से ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। इसके पीछे क्या ये समझा जाए कि इनको हैंडल करने के मैकेनिज्म में दिक्कत है या जागरूकता जो है वो इनको जागरूक करने में कहीं कमी रह गई है, कहाँ दिक्कत देख रहे हैं आप? देखिए इसमें कई लेवल पे अप्रोच की ज़रूरत है, इनको जागरूक करने की भी आवश्यकता है, और जहाँ इस तरह की हरकतें कुछ लोग करते हैं तो उनके खिलाफ़ बहुत ही सख्त कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है, और आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं उनके खिलाफ़ बहुत ही सख्त कार्रवाई भी हुई है। जी मेरा सवाल एग्जैक्टली यही है कि इतनी सख्त कार्रवाई और इतने सारे जागरूकता अभियान के बाद भी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल है, हम लोग भी लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं अपनी तरफ से तमाम प्रयास, हर तरफ यही कोशिश की जा रही है कि जागरूक किया जाए, और अब 40 दिन लगभग होने को आए फिर भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो मैं यही डॉक्टर कुमार जानना चाह रहा हूं कि ऐसा हो कैसे रहा है, ये समझ से बाहर। देखिए ये केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश में जगह जगह पे कुछ एक पॉकेट्स में इस तरह की कुछ एक जगहों पे इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो उसका समाधान यही है कि हम लोग चूंकि ये संकट का समय है इस लड़ाई में हम सब लोगों को शामिल करें, उनको जागरूक करें, और साथ ही कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उनको हम लोग चिन्हित करें, उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करें कि उस तरह के तत्वों का मनोबल ना बढ़े और उनका मनोबल टूटे और दूसरे लोग इस तरह की हरकत करने की सोच भी ना पाएं। ठीक है, मैं यही सवाल लेके DCP वेस्ट सर्वेश त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। DCP साहब, अब मैं यही सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ UP में नहीं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से ये सब रिपोर्ट हुआ है, और हमारे सारे दर्शक इसी बात से हैरान हैं, वो इसी बात का जवाब चाहते हैं कि हम सब के तमाम प्रयासों के बाद भी ये सब लगातार हो रहा है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके पीछे कहीं कुछ बहुत बड़ी दिक्कत आप देख रहे हैं या हमारे हैंडल करने के मैकेनिज्म में दोष है? अगर लोग विरोध कर रहे हैं तो व्यापक सामाजिक हित में देश हित में अगर लोग साथ नहीं आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कमजोरी है। मैं मानूंगा इस चीज़ को कि एक सामाजिक और सामुदायिक नेतृत्व लोकल लेवल से डेवलप हो जो लोगों को जागरूक करे, लोगों को साथ लेकर के आए, तभी इस चीज़ का समाधान पूर्ण रूप से निकल सकता है। सिर्फ एक संस्था की जैसे पुलिस व्यवस्था सिर्फ जिम्मेदारी के साथ जाए, वहाँ पर लोगों से बात करें, सिर्फ उससे समाधान नहीं निकलेगा जब तक सभी लोग एक साथ नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं अगर पहले से अगर पता हो तो पुलिस भी जा सकती है वहाँ पर
अवेयरनेस कैंप चला सकती है, लोगों से बात कर सकती है, लेकिन जब तक लोकल और सामुदायिक सामाजिक नेतृत्व सामने नहीं आता है, अपनी रिस्पांसिबिलिटी के लिए सारे नागरिक तैयार नहीं होते हैं, तब तक कहीं ना कहीं ये समस्या बनी रहेगी। यद्यपि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको टैकल करने के लिए हमें इसके गहन इसके अंदर जाना होगा, इसको समझना होगा। जी आप डीसीपी साहब, अभी चूंकि ये मामला खत्म नहीं हुआ है, कोरोना से हमारी जंग जारी है, तो ये अब हम उम्मीद करें कि इन घटनाओं से सबक लेकर जो बात आप कह रहे हैं वो हम जमीन पर लागू करेंगे, और ऐसे कम्युनिटी लीडर्स से हम बात करेंगे, उनसे टच में रहेंगे, उनको कन्विंस करेंगे, ताकि ऐसी समस्या आगे उत्पन्न ना हो। डीसीपी साहब, ये हर चीज में होता है, जब भी हम लोग जाते हैं सामुदायिक नेतृत्व से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, ये एक हमारा प्रोटोकॉल का पार्ट है कि किस तरह से हम लोग या तो लैंड ऑर्डर सिचुएशन या पब्लिक का सपोर्ट किसी चीज़ में लेना हो तो हम उसको हैंडल करते हैं। जी जी, तो ये हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है, हमारे प्रोफेशनल ड्यूटी का भी पार्ट है कि हम लोग लेकर बात करने के लिए इस वक्त 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और फिलहाल हम रुख करेंगे मोहम्मद मुश्ताक का, जो कि फिलहाल इस वक्त ASP हैं वाराणसी में। मुश्ताक साहब, देखिए अभी DCP साहब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि ट्रेनिंग का हिस्सा है पुलिस कर्मियों के, कि वो लोकल लेवल पर जाकर लोगों का, कम्युनिटी लीडर्स का सपोर्ट हासिल करते हैं, लेकिन फिर इन तमाम केसेस में ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ पर इस तरह का गैप देखा जा रहा है, या शायद बात नहीं हो पा रही है कम्युनिटी लीडर्स से, या शायद उनको हम कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा हो रहा है यहाँ पर मुश्ताक साहब? नहीं, जैसे मेरा ये कहना है, इसमें लगातार जो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन की जो बात है वो लगातार हम लोग कर रहे हैं। आप देखेंगे कि लगातार हर, चूँकि अधिक संख्या में नहीं, लेकिन हम लोग 4-4, 5-5 की संख्या में चौकी इंचार्ज से लेकर के इंस्पेक्टर, CO's और हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सभी के स्तर पर लगातार धार्मिक गुरुओं के अलावे जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनके साथ भी लगातार इंटरेक्शन हो रहा है। ये जो 1-2 इंसिडेंट इस टाइप की हो रही हैं, उसमें कई बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जो यूथ हैं, जो 20-25 साल के लड़के हैं, उनको, उनके वजह से ये समस्याएँ जो हैं वो आ रही हैं, और खुद उसी वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा ही कई बार हमें इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है, और उसके आधार पर हम उनके ऊपर कार्रवाई भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई संवाद में कमी है, लगातार जो संवाद जो है वो चल रहा है। यहाँ तक कि आप ये देखें कि अन्य जो बाहर नहीं निकलने वाली बात है, लॉकडाउन को लागू करने की बात है, इस पर को लेकर के भी लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कुछ जो इस तरीके के इंसिडेंट हो रहे हैं निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन लोगों के सहयोग से मुझे लगता है कि लगातार हम इस पर काफ़ी सफल भी रहे हैं। एक दो इंसिडेंट को छोड़ दिया जाए तो हम काफ़ी सफल भी रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अनिल कुमार हमारे साथ हैं, वो SP कानपुर के, कानपुर वेस्ट के सुपरिटेंडेंट पुलिस हैं। डॉक्टर कुमार, चूंकि कानपुर की आज बात सबसे मौजू है, मैं ये जानना चाहूँगा, हर तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह के भड़काऊ काम में इन्वॉल्व रहते हैं, या चीज़ों को आगे आगे भड़काते हैं, गलत बातें करते हैं, प्रोवोक करते हैं लोगों के, ये माना जाए कि आज कानपुर में यही हुआ है, कुछ र्यूमर मॉन्गर्स वहाँ पर थे जिनको शायद हम समझ नहीं पाए कि ऐसा कर सकते हैं? डॉक्टर कुमार, इस चीज़ की हम लोग जांच कर रहे हैं कि अभी उनसे पूछताछ में ये चीज़ें निकल के आएंगी कि किस तरह से ये चीज़ें सुनियोजित थी या फिर किसी ने उसी समय अफवाह फैला के किसी को इकट्ठा किया है, इस चीज़ की हम लोग जांच कर रहे हैं। जी डॉक्टर कुमार, फिर भी आपका आकलन अभी तक क्या है प्राइमा फेसी, आपको ये सुनियोजित दिखता है, आपको ये साजिशन दिखता है, या बस स्पॉन्टेनियसली ये सब कुछ हो गया वहाँ पर? संभवतः वहाँ पे किसी ने भड़काया है, उनका ये कहना था कि आप इनको क्यों लेके जा रहे हैं और इनको लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, तो किसी ने संभवतः गलत सूचना दी है कि पुलिस गलत ले जा रही है, इस तरह का संभवतः कुछ रहा होगा। तो इस तरह के जो अराजक और असामाजिक तत्व हैं उनको हम लोगों ने 10 को गिरफ्तार कर लिया, और बाकी को हम लोग, कुछ को चिन्हित किया है, और कुछ को चिन्हित करके उन पर हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे, और उससे जो मामले की सच्चाई है वो भी सामने आएगी। जी 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 जी, आपने कहा आपने 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, अभी वहां पर हालात कैसे हैं डॉक्टर कुमार? फिलहाल अभी हालात वहां पे एकदम नियंत्रण में है, पूर्णतः शांति है, किसी तरह का अब कोई इश्यू नहीं है। जी जी, मैं DCP साहब के पास एक बार फिर जाऊंगा, आप बहुत सीनियर IPS ऑफिसर हैं त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को एक चीज बताइए, ये जो घटना एक के बाद एक सामने आ रही है, पूरे देश में ये बात चर्चा का विषय है, आम जनमानस में ये सवाल है कि क्या हम इसे काबू कर पाएंगे? अभी तक तो तमाम प्रयास जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि
निष्फल ही रहे हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं से उभर कर सामने आ जाती हैं। तो एक सवाल है लोगों के मन में कि इससे लड़ा जाए, वायरस से हम युद्ध करें या इन लोगों से निपटें और इन लोगों से निपट कर इन लोगों को शांत करा पाएं, ये संभव हो पाएगा आने वाले कुछ दिनों में? ये चीज़ तो आप भी मानेंगे राजन जी कि कुछ भी असंभव नहीं है, और बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे। सारी पुलिस फोर्स, प्रोफेशनल पुलिस फोर्स कोशिश कर रही है। हमें मालूम है कि इन चीज़ों से कैसे निपटा जाए, और जो भी अफवाहें फैलाने वाले लोग हैं या अफवाहें फैल रही हैं उन पर ध्यान दिया जाए, उनकी निगरानी हो, जो लोग भी गलत कार्य कर रहे हैं वीडियोग्राफी की जाए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स किया जाए। एक सच्चे उद्देश्य के साथ हम लोग चलेंगे, निश्चित रूप से कामयाबी हासिल होगी, क्योंकि ये चीज़ें समाज के हित में है, देश के हित में है, सभी लोग, देश के लोग एक साथ खड़े हैं। प्रेस, मीडिया, NGO, शासन तंत्र, सभी लोग आज एक साथ खड़े हैं, और सबके समन्वित प्रयासों से निश्चित रूप से सबको सफलता मिलेगी। इस सफलता में देश की सफलता नहीं थे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस सफलता में देश की सफलता नहीं थे सर, और हम सभी लोग आपके साथ हैं आपके भगीरथ प्रयासों में। एक बात जरूर है कि चूंकि 3 मई के बाद हो सकता है लॉकडाउन में कुछ ढील दी जाए, तो आपको लगता है चैलेंज और बढ़ेगा, चुनौती और बढ़ेगी? चुनौती तो नहीं, लेकिन एक चीज़ तो मैं मानूंगा कि एक नए पहलू सामने आएंगे, उस पहलू का भी हम लोग अध्ययन करेंगे, उसका भी हम लोग समाधान निकालेंगे। क्योंकि अगर कोई भी छूट दी जाती है तो निश्चित रूप से बहुत सोच समझ करके, देश हित में और देश की अर्थव्यवस्था के हित में, लोगों के हित में जो होगा सरकार वही निर्णय कर रही है। तो सरकार के सारे निर्णय को हम लोग पालन कराने के लिए बिल्कुल हम लोग कटिबद्ध हैं, और समाज के, राष्ट्र के हित में जो भी होगा हम लोग वो बलिदान देने को तैयार हैं। थैंक यू सो मच सर। मैं मुश्ताक साहब से भी यही बात सुनना चाहूँगा, आप ये बताइए कि वाराणसी में हम उम्मीद करें कि चीज़ें जिस तरह से फिलहाल अभी ट्रैक पर दिखती हैं वो आगे भी दिखती रहेंगी, चीज़ें कंट्रोल में रहेंगी? निश्चित रूप से लगातार कंट्रोल में चीज़ें हैं, कुछ जगह पे कुछ कमियां रही हैं जिसको लगातार दूर किया जा रहा है। लगातार आप देखेंगे कि लगातार जो है अब जो बनारस में और अन्य जगहों पे भी ये चीज़ें हो रही हैं, जहां पर भी मेडिकल टीमें जाती हैं तो पहले वो साथ में पुलिस भी पर्याप्त संख्या में वहां पे जाती है। इसके अलावा वहाँ उस एरिए के जो भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं उनके साथ भी हम संपर्क पहले ही कर लेते हैं, ताकि हमें वो नब्ज़ पता चल पाए कि किसी भी तरीके की कोई अफवाह की कोई बात तो वहाँ पर नहीं है। तो हम पूरा प्रिकॉशन भी रख रहे हैं और निश्चित रूप से इसको हम लागू करेंगे। और पूरे देश में मुझे सभी लोगों से भी ये अपील है कि ये कठिन समय है हम सभी के लिए, उसमें सभी का सहयोग से ही ये हो पाएगा। जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, जनता के हर व्यक्ति का सहयोग नहीं मिलेगा, तो ये हमारी लड़ाई काफ़ी अधूरी रह जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से जनता जो है सहयोग कर रही है, और हमारे जितने भी इमरजेंसी सर्विसेज के अलावा जितने भी लोग लगे हुए हैं सभी लोग अपना 100% देने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि इस बीमारी को हम बढ़ने से रोक पाएँ। और आप देखेंगे कि अन्य देशों की तुलना में हमने इसमें काफ़ी हद तक जो है सफलता भी प्राप्त की है। जी, अब बस ये मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे डॉक्टर अनिल कुमार। देखिए, दो उत्तर हमने देखे और हम लोग भी पूरा उत्साह बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, आप लोगों के साथ हैं जागरूकता अभियान में भी और किसी गलत चीज़ को आइडेंटिफाई करके समाज को सामने रखने में भी। कानपुर पुलिस का मनोबल इस वक्त कैसा है सर? देखिए, मैं आपका धन्यवाद करूंगा आपके सहयोग के लिए, और कानपुर पुलिस का मनोबल इस समय बिल्कुल दृढ़ है, ऊंचा है, और हम सब लोग दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम लोग जनता से भी सहयोग प्राप्त करेंगे, और जनता के सहयोग से हम ये जो कोरोना नामक महामारी है इससे हम लोग अपने देश को हर हाल में सुरक्षित रख पाएंगे। हम इस चीज़ के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसमें सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, त्रिपाठी साहब, मुश्ताक साहब और डॉक्टर अनिल कुमार, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि पुलिस कैसे एक्ट कर रही है, उसके सामने चुनौती क्या है और कानपुर जैसी घटनाएं आगे न हो इसके लिए पुलिस के पास क्या योजना है। आप सब ने देखा, तीनों उत्तर आपने देखे तीनों IPS अधिकारियों के जो इस वक्त ड्यूटी पर हैं और इस वक्त 3 बहुत ही महत्वपूर्ण शहरों में स्थितियों को संभाल रहे हैं, उन सब की बात आपने सुनी। राजनीति देखने के लिए, इस चर्चा को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।